अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बहराइच जनपद की सांसद सावित्री बाई फुले के विवादित बयानों से ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर को एक ज्ञापन दिया गया। ब्राह्मण समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन में सावित्री बाई फुले के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने की मांग की गई है। ब्राह्मण समाज द्वारा बताया गया कि अगर शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज द्वारा अनिश्चितकालीन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सावित्री बाई फुले के खिलाफ और उसकी कार्यवाही को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हैं। ये बहराइच सांसद सावित्री बाई फुले जो भाजपा से थी, बार बार वो ब्राह्मणों को, श्रम समाज को गाली देती हैं, दलित का नेता बनना चाहती हैं, जबकि दलितों की जमीन उन्होंने कब्जा की। नानपारा कोतवाली में उनके ऊपर FIR हुई, 420-419 का मुकदमा भी लिखा गया। वो अपने को दलितों का नेता बनती हैं जबकि वो किसी के काबिल नहीं हैं, नेता बनने के काबिल ही नहीं हैं। वो चोला पहन करके अपना साध्वी बन के करती हैं और काम जितने भी हैं वो सारे काम उनके गिरे हुए हैं। और ब्राह्मण समाज से और सर्व समाज से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं महसी क्षेत्र का ब्राह्मण हूँ। महसी क्षेत्र के ब्राह्मण ने 125,000 वोटों से जीता करके भेजा था और ज़रूरत पड़ने पर वही 125,000 ब्राह्मण उनको कहाँ पहुँचा देगा वो अपने आप को जान नहीं सकती। SP कार्यालय में क्या कार्रवाई की? हम कार्रवाई है कि उनके ऊपर FIR लिखी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR लिखी जाए। FIR नहीं लिखी जाती है, हम लोग चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन बैठ जाएंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी उनके खिलाफ हम लोग तैयार हैं। अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने एप्लीकेशन ले लिया है, विवेचना करने के लिए कहा है। धन्यवाद। मैं पुलिस को एप्लीकेशन सौंप दी। कैसी एप्लीकेशन दी, क्या है पूरा मामला? गत विगत दिनों में आप देख रहे हैं, दिन ब दिन जो है एक न एक स्टेटमेंट जो है सावित्रीबाई फुले जी दे रही हैं। जातिगत विशेष द्वेष भावना से वो काम कर रही हैं और पिछड़ों सवर्णों और सबको अपमानित करने काम कर रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा। और आज अभी परसों का स्टेटमेंट इनका है कि 3% ब्राह्मण जो है वो मंदिरों पर कब्जा करके रखे हुए हैं, उसी कमाई खा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम देवानंद सिंह है, मैं बताना चाहता हूँ ब्राह्मण हमारे समाज का सिरमौर है और उसका अपमान मैं सहन नहीं करूँगा, हमारा समाज सर्वजन समाज सहन नहीं करेगा। इस तरीके की बातें, छोटी बातें करके वो अपनी क्षुद्र मानसिकता को दिखा रही हैं। वो दिखाती हैं कि मैं दलितों की नेता हूँ जबकि वो दौलत की बेटी हैं और दलाली और कमीशन के अलावा उन्होंने कोई पूरे कार्यकाल में काम नहीं किया है। जब अब उनका टिकट कटने की व्यवस्था आ गई है तो वो इस तरह भ्रामक उस करके और समाज को जो है विखंडित करने का प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र ज्ञानी हैं, गौरव मिश्रा हैं और ब्राह्मण समाज पूरा है और हम सर्वजन समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR हो, कि उनको भी जो उन्होंने दलितों की जमीनों कब्जा कर रखा है, दलितों के नेता बनती घूम रही हैं जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा दलितों की जमीन कब्जा कर रखी है। अभी विगत महीने में एक काम हो चुका है, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है नानपारा में। ज्ञापन सौंपा, क्या मामला, कैसे ज्ञापन सौंपा आपने? ये सावित्री बाई फूले सांसद जी जो है ये सब समाज को और ब्राह्मण को खास करके गाली देती हैं। हम ब्राह्मण मिलकर के, हम महसी क्षेत्र के ब्राह्मण हैं, उनको सांसद बनाया गया, 125,000 वोट महसी क्षेत्र से जीता चुनाव। बहराइच के सांसद, वर्तमान सांसद है सावित्री बाई फूले, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने आए थे। वो विगत कई दिनों से भाजपा में रहते हुए भाजपा विरोधी बातें कर रही थी। दूसरा, सवर्ण समाज को अपने हर स्टेटमेंट में वो आहत कर रही थी। उनका सीधा निशाना सवर्ण समाज रहता है, वो दलितों के नेता बनते हैं जबकि दलितों की भूमि पर अवैध कब्जा करके उनके दलितों का पैसा खा रही, कमीशन खोरी, दलाली उनका काम है। उसके खिलाफ हम लोग आए थे कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और उनको उनकी असली औकात दिखाई जाए। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने कहा है विवेचना करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी एप्लीकेशन नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? तब चक्का जाम किया जाएगा। अब सवर्ण समाज सक्षम है अपनी बात मनवाने के लिए और पूरी क्षमता दिखाई जाएगी। भूमि थी उस पर उसने किया, तो ये कहीं से दलित नेता नहीं है, ये दिखावा कर रही है, विखंडन का उपाय है। सर पूछ लीजिए, सर आप बात कर ले। अच्छा, बात कर।
सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले सर्वान समाज और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।